गाजीपुर, पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। कॉलेज की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट जनों ने मायम सरस्वती, अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है। भारत सुपर पावर देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह कला की दिशा हो या फिर विज्ञान से जुड़ी हो। विकसित भारत के लिए संपूर्ण रूप से काम करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी से मिलने वाले लोग पल भर में ही उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। वाजपेयी जी कहते थे कि गरीब आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग अपने को आर्थिक रूप से कमजोर ना माने, सामाजिक न्याय का भी पूरा लाभ सभी वर्गों को मिले। यदि देश के लोग निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश हैं, तो ऐसी अड़चनों को सत्ता कोसेगा। परीक्षा देकर नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि आप सभी हमेशा मालवीय जी के नैतिक मूल्यों का अनुसरण करेंगे। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है। भारत भी सुपर पावर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कला की विधा हो या फिर विज्ञान से जुड़े हमारे छात्र हों। उनके सामने अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत, और उसके लिए आतुर होकर के काम करना होगा। जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, परीक्षा के बाद अगले वर्ष कॉलेज में प्रवेश लेंगे, एक नए जीवन की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र की उस यात्रा में महामना के जीवन मूल्य सदैव आपका मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। महामना के जीवन मूल्यों में ऐसा ही गहरा विश्वास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी था। गांधी जी ने कहा था कि मैं मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ और उनका नाम उस जनता पर जादू कर देता है। प्यारे बच्चों, महामना की जयंती पर ये मेरी असीम इच्छा है, महामना का यह जादू आपकी जीवन की ऊर्जा बनकर समाज और देश सेवा में आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष तथा लोकतंत्र के ध्रुव तारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में भी दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। आजादी के पश्चात इन महान व्यक्तित्वों ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने, राष्ट्र धर्म और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर तपस्या की, उसमें एक अमर नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए देश में पहली बार वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया था। लोक कल्याण के प्रति उनके अटूट आस्था की वजह से आज पूरा देश 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। अटल जी को मैं एक ऐसा योद्धा मानता हूं जिन्होंने समाज के वंचित वर्गों को समानता और सभी को एक समान अवसर कि न सिर्फ जीवन भर पुरजोर वकालत की बल्कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर हर समय बल देते रहे, ताकि जनशक्ति को राष्ट्र की विकास शक्ति में परिवर्तित किया जा सके। वह कवि के साथ साथ एक जुझारू क्रांतिकारी भी थे। अपने अनूठे व्यक्तित्व द्वारा अटल जी ने दशकों तक हमारे राष्ट्रीय जीवन के व्यापक फलक को प्रभावित किया और एक मौलिक चिंतक के रूप में राजनीति की समानांतर धाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास और
विनम्रता, भारत माता के प्रति समर्पण की भावना आदि मूल्यों का प्रभाव था। वह भिन्न विचारधारा के लोगों को भी अपनी तरफ सहजता से आकर्षित कर लेते थे। मुझे भी अवसर मिला है, जब देश के प्रधानमंत्री थे आपके आशीर्वाद से मैं भी देश की संसद में था। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि अटल जी से मिलने के बाद उनसे बिल्कुल विपरीत विचार रखने वाले लोग भी पल भर में ही उनके लिए नतमस्तक हो जाते थे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्ध वर्ग इस बात से भली भांति परिचित होगा कि जनसंघ के दिनों से ही वंचित वर्गों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में अटल जी के उन मूल्यों का समावेश करने के लिए अटल जी सदैव तत्पर रहते थे, जो किसी भी विचारधारा का हो लेकिन उसमें परिस्थितियों का परिवर्तन करने की क्षमता हो। अटल जी का यह दृढ़ विश्वास था कि सदियों से वंचित जनता की अंतर शक्ति जब तक पुनः अपने मूल स्वरूप पर नहीं आ जाती तब तक देश में प्रगति समाज स्थापित नहीं किया जा सकता। अटल जी सदैव कहा करते थे, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग अपने को आर्थिक रूप से कमजोर न महसूस, सामाजिक न्याय का भी पूरा लाभ सभी वर्गों को मिले। एक और बात अटल जी बार बार कहते थे, अगर देश की जनता निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर है तो ऐसी अड़चनों को सत्तापित हो सकेगा। इसलिए व्यक्ति एवं विचारधारा की बजाय जो कुछ मैं समझ पाया उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी है कि नैतिक और चारित्रिक मूल्य सर्वोपरि हो। अगर गौर से देखा जाए तो महामना और अटल जी का व्यक्तित्व आज भी समाज में सद्गुणों का संचार कर रहा है। उनके नैतिक पिछले 9-10 वर्षों में स्थानांतरित की गई, हमारी बच्चियों को बच्चों के समान अन्य क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हो इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर महिलाओं के एक बड़े वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाने में सरकार ने सफलता पाई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो निर्माण किया जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आधी आबादी मौलिक अधिकारों से वंचित हुआ, उन वहां की महिलाओं को भी मौलिक दिया और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी। अब सर्व समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आई इस गति में निरंतरता बनी रहे और हम महामना के मूल्यों को अपनी जीवन यात्रा का आदर्श बनाकर समाज में सबको प्रेरित करते रहे। मैं आज महामना मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से विशेष रूप से 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और उस समय ब्रिटिश शासन काल में उद्योगों, ग्रामीण उद्यम